हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हों। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, 9 जनवरी का करंट अफेयर्स है गगनयान मेनू रिलीज्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन 2022 के लिए 2020 के लिए मेनू जारी किया है। यह मेनू डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहे हैं उनके फूड के संदर्भ में वेजिटेबल रोल्स, एग रोल्स, इडली सांभर, उपमा, वेजिटेबल पुलाव एंड मूंग दाल हलवा ये अपने साथ लेकर जाएंगे, जबकि क्रू मेंबर अपने साथ फूड हीटर भी ले जा सकते हैं। गगनयान पूरी तरह से मानव सहित यान प्रोजेक्ट है जो अंतरिक्ष में 2022 में भेजा जाएगा। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, गगनयान मेनू का डिटेल किसने तैयार किया है? आंसर इज डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। जबकि गगनयान मिशन कब भेजा जाएगा? 2022 में, 2022 में। चलिए अगला देखिए, सेकेंड नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, सेकेंड नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है, जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने कंडक्ट किया है। ये वर्तमान में रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर रहे हैं, एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यहां पर जो सेकेंड नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस जो किया गया, इसका बेसिक एम है ऐसे व्यक्ति जो जीएसटी का क्लेम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में फ्रॉडलैंड रिफंड क्लेम्स पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये जीएसटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यहां पर चित्र में भी देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेकेंड नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ? फ्रेंड्स आपको उत्तर देना है न्यू दिल्ली। आगे देखिए, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, यहां पर गुजरात सरकार के द्वारा विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। यानी गुजरात गवर्नमेंट अपने यहां पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। इस मिशन की बात करें या इस इनोवेशन सेंटर की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है बच्चों में साइंस के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देना तथा उनके पोटेंशियल को समाज के सामने लेकर आना, साथ साथ में साइंस के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से इस इनोवेशन सेंटर की स्थापना गुजरात सरकार अपने यहां पे कर रही है। यहां पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। द इनोवेशन सेंटर विल कम अप इन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एक्सटेंशन रिसर्च एंड इनोवेशन एट गुजरात यूनिवर्सिटी। साथ साथ में यहां पर देखिए लिखा हुआ, द सेंटर प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल विद ए ज्वाइंट पार्टनरशिप बिटवीन द गुजरात यूनिवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फ्रेंड्स ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह जो इनोवेशन सेंटर है ये गुजरात यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से चिल्ड्रंस के पोटेंशियल को पूरी तरह से आगे लेकर आना है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ साथ में ये जो इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जनक हैं विक्रम साराभाई के नाम पर ही स्थापित किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा गुजरात की बात करें तो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। स्टेट एनिमल देखिए, एशियाटिक लॉयन है, बहुत ही फेमस है। स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लैमिंगो है। स्टेट ट्री बनियान ट्री है, जबकि स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। फ्रेंड यहाँ पे यूनिसेफ की बात करें तो दिसंबर 11, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो हेनरिएटा एच फोर इसके राइट नाउ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगला न्यूज देखिए, इंडिया रैंक 34th ऑन वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। फ्रेंड्स यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत का स्थान 34th है। ये पिछले बार के कंपैरिजन बहुत ही अच्छा रैंक भारत को मिला है, जिसमें 2013 में जहां रैंक 65th था
वहीं 2015 में 52 और 2017 में रैंक 40 था, जबकि राइट नाउ ये रैंक 2019 में 34 हो गया है, जो अपने आप में टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड में पांच सबसे बेस्ट कंट्रीज की बात करें तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये पांच जो है सबसे टॉप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर टॉप स्टेट में या टॉप कंट्रीज में शामिल है। अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला न्यूज देखिए, एसबीआई रिवाइज जीडीपी प्रोजेक्शन टू 4.6 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 फ्रॉम प्रीवियस 5%। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एसबीआई ने एक डेटा रिलीज किया है, बताया कि 2020 यानी कि फाइनेंशियल 2020 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट 4.6% रहने वाला है, जो पहले इसने 5% बताया था उसे घटाकर 4.6% कर दिया है। ये अपने आप में सोचने का विषय है कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो निरंतर कम होती जा रही है। यहाँ पे एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई का फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ था, चेयरपर्सन रजनीश कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे, द बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। यहाँ देखिए, बुक पब्लिश हुई है कर्म योद्धा ग्रंथ, ये कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह के द्वारा रिलीज किया गया है और ये बुक पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर आधारित है। इस बुक्स में बताया गया है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीति में अपीजमेंट, कास्टिज्म एंड डायनेस्टी, तुष्टिकरण, जातिवाद और वंशवाद जैसे तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर अंकुश लगाया गया है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इस पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया गया है। अतः एग्जाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारे करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आ रहे हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।